अलग चीज है। जैसे आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हो, हाथ में मोबाइल होता है, दोस्तों का व्हाट्सएप में मैसेज आता है, तो क्या सोच करके आप लोग बात करना शुरू करते हो? थोड़ा सा बतिया ले आइए। थोड़ा सा बतिया में कहा जाता है, और थोड़ा सा के चक्कर में आपका एक डेढ़ घंटा, दो घंटा, तीन घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। आप मान लो पढ़ने के लिए बैठ गए, अब दो घंटा बतिया लिए, तो बोला कि अपनी भूख लग गई तो तनिक खा ले भाई, ज्यादा फोकस करें। तो इससे क्या होगा कि आपका आने वाला जो लाइफ है वो ज्यादा आपका ब्राइटफुल होगा और आप लोग अपने मंजिल को पा सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन सभी से केंद्रित करें। अगर आप लोग के मन में तो हम इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे किसी का रहता है कि सर हम लोग एग्जाम में किस तरह लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लोग वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसमें आप लोग सबसे अच्छा जानते हो, ठीक है? क्योंकि आपका जो फर्स्ट और सेकंड पेज का जो आपका इम्प्रेशन रहेगा वही आपको दिखाएगा कि आप कितने अच्छे हो पढ़ने में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड पेज पर ही ज्यादा ओवरराइट करते हैं, ज्यादा कटकुट करते हैं, जिसके कारण उनका मार्क्स जो है बहुत ही कम आता है। दूसरी बात कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस लिए बेस बनाएगा रिजल्ट का और अच्छे से अच्छे मार्क्स का, क्योंकि आप लोग का 50% जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सारे लोग थोड़ा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बैंक देखेंगे, इससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।